हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में, यानी एग्ज़ाम शेड्यूल बनाया गया है वो किन किन के लिए अप्लीकेबल होगा। आज की वीडियो में कंप्लीट हम देखने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, और यहाँ पे हम इसके एग्ज़ाम डेट भी देखेंगे और अपना कैसे स्टेटस इन्हें एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट देख ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर करेंसेज में सभी का स्वागत है। आज मैं बात कर रहे हैं इसकी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट में हमने यहाँ पे देख रखा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका लिंक, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं मिनिस्ट्री आइसोलेशन का लिंक डाल रखा है एडमिट कार्ड के बारे में, और जैसे यहाँ पे हम नीचे देखें एनटीपीसी के बारे में, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी सेंट्रल 1/2019 के अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन यहाँ पे दिखा रखी है, क्लिक हेयर फॉर एग्जाम सिटी डेट एंड शिफ्ट इंटीमिनेशन के बारे में यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे हम इस लिंक को हम ओपन करेंगे, सेकंड लिंक ओपन होगा आपके सामने, और यहाँ पे क्या क्या आपको जरूरत पड़ने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लीकेबल होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद में लॉगिन कर देना होगा। उसके बाद में क्या देखा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। किसी भी कैंडिडेट का हम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किसी स्टूडेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाला, तो उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगी, प्रिय उम्मीदवार आप वर्तमान चरण में निर्धारित नहीं है, कृपया आरआरबी से सूचना की प्रतीक्षा करें। यानी यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको, डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन द प्रेजेंट फेज, प्लीज़ वेट फॉर इंटीमेशन फ्रॉम आरआरबी। यही नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिख रखा है, सीरियल नंबर 3 पे लिख रखा है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि जैसे हम इसके बैक में जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शेड्यूल के बारे में नोटिस, 17 तारीख को अपडेट कर दिया गया था, 17 दिसंबर को। ठीक है, नोटिस ऑन द एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी फर्स्ट के लिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी एग्ज़ाम के बारे में भी और इसका शेड्यूल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया गया है एनटीपीसी एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में, और यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम डेट दिखाई गई है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में इसके एग्ज़ाम होंगे, और वो किन के लिए अवेलेबल होंगे वो इसके आज रात्रि 9:30 बजे अवेलेबल हो जाएंगे, वो आपको रात का चेक कर सकते हैं। टोटल 1.25 करोड़ स्टूडेंट हैं, जिनमें से टोटल 23 लाख स्टूडेंट का ही एग्ज़ाम होना है, वो शेड्यूल के बेस पे होगा, यानी सीबीटी फर्स्ट चरण में यहाँ पर देख सकते हैं 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2000 के बीच 21 के अनुसार यहाँ पे एग्जाम होने वाले, टोटल 23 लाख ही स्टूडेंट अवेलेबल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3rd नंबर इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको वहाँ पे बताया था, यहाँ पे भी वही टीयर कैंडिडेट के बारे में बात लिख रखी है, सेम वही, आप चिंतित न हो, अपना जैसे फीस जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ये नोटिस 17 दिसंबर का नोटिस अवेलेबल किया गया है, और आज रात्रि 9:30 बजे से आपके एग्ज़ाम सिटी का अवेलेबल देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन सी जगह पे आपका एग्ज़ाम होगा, कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, रात्रि 9:30 बजे से आप देख सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको इसमें यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे बैक में जाएंगे, जैसे हम इसके बैक में आने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 18 दिसंबर का यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर हेल्प डेस्क के बारे में। जैसे हम इसको ओपन करेंगे आपके सामने सेकंड फेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रही है, यानी 19 दिसंबर आज की डेट दिखा रखी है, 19 दिसंबर को रात्रि यहाँ पे टाइम दिखा रखा है, यानी 21:30 से स्टार्ट होगा, 13 जनवरी 2021 के अनुसार यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, रात्रि 11:55 पे आपकी क्लोज हो जाएगा इसका एंटीमिशन एग्ज़ाम के बारे में, यानी ये अवेलेबल होगा यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा 19 दिसंबर से लेकर, ठीक है, 13 जनवरी तक ये अवेलेबल होगा। ठीक है, वही अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे जिनका, और बाकी के जो स्टूडेंट हैं 23 लाख के अलावा, ठीक है, उनका नेक्स्ट फेज में अवेलेबल होगा एग्ज़ाम सिटी के बारे में। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से अपना डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे इसी तरह की, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट बताया, धन्यवाद।